Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the Indian folk painting with memory trick. Then already we know about the uh, Indian folk painting, last class we discussed about it. Then it is very important in uh, prelims point of view and also in men's point of view. Then you have to just learn this one. Then it is, uh, I am bringing here that memory trick. Okay, it is very helpful for you to memorize this and learn this one because in exam or in uh, in men's then we have to write in detail. But in uh, prelims exam, we have to take the correct answer. Okay, we have to choose the correct option. Then it is helpful for us to use the use to choose the correct option. Then let's start this. Okay, before starting this one, I want to say something about the channel. Okay. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल के समय में बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ मनी और बिकॉज ऑफ जॉब ओके बहुत सारे लोगों का जॉब ऑलरेडी छूट चुका था और अभी रिसेंटली जो ये चल रहा है हम लोग का लॉकडाउन ये सब का वजह से और भी बहुत सारे लोगों का जॉब भी छूट चुका है बट वो लोग को भी क्या है उसका बच्चा लोग को मे भी हो सकता है वो खुद भी इम्प्लॉय होकर भी पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर वो लोग का जो बच्चे होंगे वो लोग पढ़ रहे होंगे देन वो लोग के लिए क्या है हॉस्टल का फीस देना देन दूसरा क्या है ट्यूशन uh, फीस ये सब कोचिंग सेंटर में रुपया भरना और बुक ये सब खरीदने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम का आ, सामना करना पड़ रहा है तो आप लोग अगर ये वीडियो को क्या है मे भी आप लोगों के लिए यूजफुल ना हो मे भी आप लोग स्टूडेंट ना हो लेकिन भी अगर आप लोग क्या है शेयर करोगे देन दूसरों तक जरूर पहुंचेगा जो कि एस्पिरेंट है एग्जामिनेशन के लिए और मे भी स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए ताकि दूसरों के भी पहुँच सके कहते हैं ना शेयरिंग इज लविंग टू केयरिंग देन ये भी क्या है अगर आप शेयर करते हो तो वो सबसे प्यारा चीज़ है दूसरों को देने का अगर आप लोग शेयर करोगे तो दूसरों तक पहुंचेगा क्योंकि शेयर करने का कोई रुपया नहीं लगता बट आप लोग जब शेयर करोगे तो उन तक पहुंचेगा जिसको इसका ज़रूरत है उसका रुपया बच सकता है तो आप लोग इसे प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए देन आप लोग चलिए हम लोग देखते हैं ये इंडियन फोक पेंटिंग विथ मेमोरी ट्रिक कैसे हम लोग इसे लर्न करेंगे ये बहुत ही ईजी और आसान हो जाता है अगर हम किसी भी चीज़ को अगर स्टोरी फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर लें ओके okay? स्टोरी फॉर्म में अगर हम लोग ये करें याद करने की कोशिश करें तो बहुत ही आसान हो जाता है बीच को जब भी हम लोग कोई भी स्टोरी देखते हैं या फिर सुनते हैं तो उसे हम क्या करते हैं हमेशा याद रखते हैं जैसे कि आप लोग आजकल देखते हो पॉकेट एफएम ये सब भी निकल चुका है देन उसे भी बहुत सारे लोग क्या है अपने आप को इंटरटेन करने के लिए जो इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग सुनते हैं देन वो क्या है स्टोरी हमेशा वो लोग के मन में रह जाता है अगर हम लोग कोई फिल्म ये सब भी देखते हैं मूवी देखते हैं देन मूवी का भी हर एक स्टोरी हमें याद रहता है हर एक सीन का याद रहता है बिकॉज क्या है हम लोग उसे क्या है आ, ये करते हैं स्टोरी के फॉर्म में हम लोग उसे देखते हैं और दूसरा क्या है हम लोग प्राय इमेजिन भी खुद कर लेते हैं देन इसीलिए हम लोग उसे आराम से समझ के देखते हैं तो वो हमें समझ में आ जाता है और दूसरा चीज़ हमें हमेशा याद रहता है कोई भी फिल्म अगर आप दो साल तीन साल पहले भी आप लोग देखे होंगे मे बी दस पंद्रह साल पहले भी अगर आप देखे होंगे तो वो सीन के बारे में आप लोगों को कोई अगर बताएगा तो आप लोगों को डायरेक्टली याद हो जाएगा हाँ ये वो फिल्म का सीन है वो हीरो इसमें प्ले किया था ये सब आप लोग को याद हो जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि हम लोग उससे बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम ये करके देखे हैं आ, आ, समझ के देखे हैं इसलिए वो चीज़ हमें हमेशा के लिए याद है लेकिन आप अगर पढ़ाई के बारे में बोलोगे तो कोई भी पढ़ाई अगर आप लोग तो हम उसे समझ के देखते हैं और उसे अपने आप को भी ये करके देखते हैं वहाँ पे रख के देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा से याद हो जाता है इमेजिनेशन कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में तो याद होता है तो यहाँ पे भी हम लोग वही ट्रिक को यूज़ करेंगे बहुत ही हेल्पफुल है ये और बहुत ही लंबे समय तक भी याद रहेगा आप लोग मैं भी अभी समझ सकते हो कि ये कहानी मतलब पढ़ाई के साथ में कहानी को रिलेटेड करके पढ़ना ये एकदम से बकवास सा लगेगा सुनने के लिए भी और ये कहानी सुनने से भी मे भी आप लोगों को बहुत ही बकवास लगेगा बट बिलीव मी जब आप लोग इसे एक मैं जब पढ़ा लूँगी ये वीडियो आप देखने के बाद में आप एक बार खुद से ये कहानी को बोल के देख लीजिए और फिर आप ये करके देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड वाला फॉल पेंटिंग का रिलेटेड उठा के आप खुद करके देखिए आसान इसे आप कर पाओगे और यह हमेशा के लिए आप लोग को याद रह जाएगा लेकिन इसे जब वीडियो देखोगे वीडियो देखने के बाद खुद एक बार करके देखो और खुद एक बार बोल के देखो या फिर खुद एक बार प्रैक्टिस करके देखो देन आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं देन फोक पेंटिंग और स्टेट के बारे में मैं यहाँ लिखी हूँ पहले पढ़ लेती हूँ बाकी सारे चीज को एक साथ मधुबनी कहाँ का है बिहार का है देन गोंड हम लोग का एक गोंड ट्राइब का पेंटिंग होता है ये मध्य प्रदेश का है देन फाड हम लोग का राजस्थान है मिनी नेचर पेंटिंग राजस्थान कालीघाट वेस्टर्न वेस्ट बंगाल पाट्य ओडिशा, वार्ली वेस्टर्न घाट चेरियाल स्क्रोला तेलंगाना देन तंजौर तमिलनाडु एंड कलमकारी आंध्र प्रदेश ठीक है देन हम लोग स्टार्ट करते यहाँ पे कहानी को देन आप लोग थोड़ा ये करके देखिए ध्यान से सुनिए देन ये आप लोगों को हमेशा के लिए याद होने वाला है ठीक है देन हम लोग यहाँ पे एक स्टोरी को लेंगे एक राजा के बारे में यहाँ पे राजस्थान है तो कोई राजा के बारे में स्टोरी रिलेटेड करके हम लोग लेते हैं तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा ठीक है आप लोग पहले सुन लीजिए उसके बाद में हम लोग इसे ये करेंगे स्टोरी को एसोसिएट कर लेंगे ये फॉक पेंटिंग और स्टेट के साथ में ठीक है ठीक है तो एक राजा क्या है वो बाहर घर से बाहर निकलना चाहता है जाना चाहता है वन में वन में जंगल में जाना चाहता है जंगल में जाके कर वहाँ पर वो क्या करना चाहता है शिकार करना चाहता है कोई भी एनिमल का और कोई भी चीज़ का शिकार करना चाहता है वो और वो जाके क्या करता है कोई चीज़ को देख के वो आ, कोई गेंडा को देख लिया वहाँ पर तो गेंडा को देखते ही वो क्या है तलवार से वो उसे एकदम टुकड़ा टुकड़ा करके छोटा छोटा टुकड़ा में उसे फाड़ काट के ये मार देता है देन वो क्या करता है आ, काले रंग लेता है काले रंग लेके वो नक्शा बनाने के लिए अपना वेस्ट साइड से किस तरह से जाना है उसे वो नक्शा बनाने लगता है नक्शा बनाता है कहाँ पे बनाता है एक पाटो पोटा में बनाता है एक ठीक है एक स्लेट में बनाता है नक्शा को एकदम ड्राइंग के साथ में बनाते नक्शा हम लोग जब भी बनाते तो कैसे बनाते एक ड्राइंग ड्रोव... के साथ में हम नक्शा बनाते तो राजा क्या कर रहा है वो अपना वेस्टर्न साइड में उसे जाना है वेस्ट साइड में इसलिए वो आ, एक काला रंग लेके वो नक्शा बनाने लगता है चित्र बनाने लगता है ड्राइंग बनाने लगता है देन ऐसे करके वो क्या है वो वहाँ जाने वाला होता है तो वहाँ पर क्या है जो वेस्ट साइड के लोगों वहाँ पे लोगों में एकदम से क्या हो गया है वार छीट चुका है जैसे कि ये है हम लोग का इंसानों में वार छीट जाता है ऐसे ही वहाँ के जितना भी एनिमल ये सब है सब में वार छीट चुका है वो लोग भी क्या है एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं वार कर रहे हैं देन वहाँ पर क्या है चिड़िया एक दूसरे के साथ में झगड़ा कर रहे हैं एकदम चहक रहे हैं वहाँ पर जोर जोर से चहक रहे हैं फिर दूसरा क्या है एकदम तानाशाही भी कर रहे हैं एक दूसरे को क्या है एक दूसरे का बुराई कर रहे हैं एक दूसरे का भलाई भी कर रहे हैं बता रहे हैं तो वार में क्या होता है हम लोग तलवार ये सब उठा के कभी बोलते हैं कभी आ, ये करते हैं एक एक शब्द का भी बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है उसमें वार के टाइम में तो इस तरह से क्या है चिड़िया भी क्या कर रहे हैं एक दूसरे को बता रहे हैं तानाशाही कर रहे हैं कि तुम लोग इस तरह से कर रहे हो उस तरह से कर रहे हो देन बाद में क्या है वो राजा क्या सोचते हैं यहाँ पे तो इतना सारा ये हो चुका है तो अभी क्या करना चाहिए तो अंधेरे में बैठ के क्या है कलम से कुछ लिखना चाहिए और ये लोग को क्या है मैसेज देना चाहिए कि इस तरह से झगड़ा नहीं करना चाहिए जंगल में भी क्या होना चाहिए एकदम शांति से रहना चाहिए हर कोई राजा ये सोचने लगता है ठीक है तो ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गया तो हम लोग ये कहानी को इसके साथ में एसोसिएट करते हैं ठीक है एक एक स्टेट के साथ में एक एक फोक पेंटिंग के साथ में एसोसिएट करते हैं देख लीजिए तो राजा क्या कर रहे हैं वो बाहर जाना चाहता है कहाँ पे वन में बाहर बिहार वन में मधुबनी ओके वन मीन्स जंगल होता है तो वन में जाना चाहता है तो वन यहाँ पे आ जाता है ये देखिए वन ओके देन मधुबनी देन वो बाहर जंगल में जाना चाहता है मधुबन में जाना चाहता है देन राजा क्या है जाते जाते जब वो जंगल के बीचों बीच पहुँचता है मध्य में मध्य में पहुंच जाता है मध्य प्रदेश देन वहां पे गेंडा दिखाई देता है उसे और गेंडा को वो क्या करने लगता है शिकार करने लगता है कैसे वो राजा क्या करता है राजा है तो कोई भी चीज़ को क्या है जानवर को वो चीर फाड़ डालता है तलवार लेके देन फाड़ देता है देन राजा फिर से क्या करता है राजा छोटा छोटा मिनी मतलब एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में उसे काट देता है मिनीचर पेंटिंग छोटा छोटा टुकड़ा में काटता है देन उसके बाद में वो क्या करता है वेस्ट साइड में उसे जाना है वेस्ट साइड में मीन्स वेस्ट बंगाल ओके वेस्ट साइड में जाना है तो काली कलर लेता है वो काली घाट काला रंग लेता है और वो क्या करता है चित्र बनाने लगता है ओके okay? पटा चित्र चित्र बनाने लगता है एक पटा के ऊपर पटा मीन्स एक स्लाइड के ऊपर चित्र बनाने लगता है और वो कहाँ जाना चाहते हैं उड़ के उधर जाना पहुँचना चाहते हैं उस जगह में इसलिए वो ओडिशा पाटा चित्र ओके ठीक है देन वो, वो चित्र क्या के लिए बना रहे हैं वहाँ से कैसे वो उड़ के में बहुत जल्दी जाना है उड़ के जाना है देन उड़ीसा पाटा चित्र देन वो जब ये करता है जाने के लिए तैयार हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं देख रहे हैं यहाँ पे वेस्टर्न साइड में जो जंगल में वेस्टर्न जंगल में है वेस्ट साइड का जंगल में वार छिड़ गया है कहाँ पे किसके बीच में वार छिड़ गया है वहां के जानवरों के बीच में वार छिड़ गया है देन वार ले वेस्टर्न घाट वार ले देन वो एकदम उसे देख के परेशान हो जाता है एकदम पसीना जैसे निकल आता है बॉडी में एकदम ऑयली ऑयली फीस हो जाता है इस तरह से हो रहा है उसका राजा का वो सब देख के तो राजा और एक चीज चीज़ क्या देखता है कि वहाँ पे क्या है चिड़िया क्या, क्या कर रहे हैं चेरियल चिड़िया चे, से चेरियल या फिर यादक चंद चेरियल स्क्रोला तो चिड़िया क्या कर रहा है चहक रहा है वहाँ तो हम लोग चिड़िया से चेरियाल याद कर सकते हैं तेलंगाना से मतलब राजा का एकदम पसीना होकर फेस ऑयली हो चुका है दो तो राजा का क्या हो गया है तेल निकल चुका है फैस में और ये चेरियाल चिड़िया से तेलंगाना देन वो चिड़िया क्या कर रहा है तानाशाही कर रहा है ठीक है तानाशाही कर रहे तो ताना से तानजोर और ताना से तमिलनाडु भी होता है ठीक है तो तानाशाही कर रहे एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं तो तमिलनाडु तो राजा ये सब देख के परेशान हो जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि आ, अंधेरे समय अभी तो दिन के उजाले में ये लोग ये कर रहे हैं अंधेरे में क्या है जब ये लोग शांति हो जाएंगे तो वो क्या करना चाहता है वो लोग के लिए मैसेज लिखना चाहता है किससे पेन से लिखना चाहते हैं कलम से तो कलमकारी अंधेरे आंध्र प्रदेश ठीक है अंधेरे में वो कलम से पेन लिखना चाहता है तो अंधेरे में कलम से पेन लिखना लिखना चाहता है तो कलमकारी पेन कलम ओके okay, कलमकारी अंधेरे में आंध्र प्रदेश देन तानाशाही कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या है तम आ रहे ठीक है यहाँ पे भी तन आ रहे तो ये तंजोर से तमिलनाडु कौन चिड़िया क्या कर रहा है तानाशाही कर रहा है चिड़िया चरियाल से स्क्रोला तेल निकल गया किसका राजा जब देख रहा था ये सब तो उसे पसीना से एकदम गरम से तेल निकल रहा था फेस में तो राजा का तेल निकल रहा था तो तेलंगाना चरियाल ठीक है देन वो कहाँ पे जाने के लिए जो जब वो वेस्टर्न घाट में मिस वेस्टर्न साइड में जब जा रहा था तो वहाँ पे जंगल में वेस्टर्न जंगल में क्या हो रहा था एकदम से वार छिड़ गया था वार से वारली और वेस्टर्न घाट वेस्ट से वेस्टर्न घाट देन राजा क्या है क्या करना चाहता था नक्शा चित्र बनाना चाहता था नक्शा बनाना चाहता था वहाँ जाने के लिए वेस्ट साइड में जाने के लिए तो यह है वेस्ट साइड में जब जाने के लिए वो चित्र बना रहा था तो सबसे पहले क्या लिया काले का रंग काली रंग लिया काले कलर का रंग तो काली घाट और यह वेस्टर्न बंगाल वेस्ट से वेस्ट साइड में जाना चाहता था तो वेस्ट बंगाल काले रंग लिया तो काली घाट ठीक है यहाँ पे काले रंग तो काली घाट देन वो कहाँ पे चित्र बनाना चाहता था वहाँ पे क्या है बहुत जल जाना चाहता था जैसे कि उड़ के जाना चाहता था तो उड़ से ओडिशा देन कहाँ पे वो चित्र बना रहा था पेंटिंग बना रहा था और क्या बोलते हैं इसे नक्शा बना रहा था पट्टा चित्र ओके चित्र मीन्स पटा चित्र से हम लोग चित्र को चित्र को पटा चित्र से याद रख सकते हैं वो उड़ के वहां जाना चाहता था इसलिए वो नक्शा बना रहा था चित्र ओके चित्र बना रहा था तो पटा चित्र ओडिशा का पटा चित्र Then, राजा राजा वो घर से बाहर निकल के कहा जाना चाहता था वन में जाना था बाहर वो बाहर जाना चाहता था बाहर से बिहार हो गया देन बन मधुबन ओके मधुबन में वो जाना चाहता था क्या के लिए शिकार करने के लिए तो वहां पे क्या है जंगल के बीचों बीच मध्य में मध्यम से मध्य प्रदेश ठीक है मध्यम में उसे गेंडा दिखाई दिया और वो गेंडे को लेके क्या है उसे फाड़ रहा है तलवार से राजा क्या कर रहा है राजस्थान राजा फाड़ रहा है और उसे राजा क्या कर रहा है छोटा छोटा करके फाड़ रहा है तो राजा से आ, राजस्थान से फाड़ रहे हैं राजस्थान राजा से राजस्थान फिर फाड़ रहे क्या से तलवार से फाड़ रहे तो फाड़ पेंटिंग देन छोटा छोटा करके फाड़ रहा है मिनी मिनी करके फाड़ रहे हैं तो मिनिएचर पेंटिंग ठीक है तो यहाँ तक समझ में आया और एक बार करेंगे तो चलिए शुरू स्टार्टिंग वाला जो हम लोग का कहानी से उससे शुरू करते हैं राजा क्या कर रहे हैं घर से बाहर निकल के बाहर जाके बन में जाना चाहता है बन तो मधुबनी ठीक है फिर वो जब जंगल के बीचों बीच में पहुंचा बन के मध्य में जब पहुंचा मध्य प्रदेश से उसे क्या दिखाई दिया गेंडा दिखाई दिया गेंडा से गोंड मध्य से मध्य प्रदेश गेंडा से गोंड ठीक है देन वो राजा क्या, क्या कर रहा है उसे फाड़ रहे हैं मार दे रहा है तो फाड़ रहा है फाड़ना मीन्स दो टुकड़ा डिवाइड कर देना या ऐसे तलवार से काट देना मार देना ऐसे कहते हैं तो फाड़ रहा है फिर राजा क्या कर रहे हैं एकदम छोटा छोटा टुकड़ा करके उसे काट दे रहा है गेंडे को देन वो क्या सोच रहा है कि अभी मुझे शिकार करने के लिए कहाँ जाना चाहिए वेस्ट साइड में जाना चाहिए तो वेस्ट साइड का उसे नक्शा बनाना है तो वो वेस्ट से वेस्टर्न बंगल हो गया तो क्या कलर चाहिए उसे काला रंग चाहिए तो काला रंग लिया वो तो काली घाट ठीक है वेस्ट और, वेस्ट साइड जाना है तो वेस्ट बंगाल काला रंग लिया तो काली घाट देन वो क्या सोच रहे कि मुझे ऐसे नक्शा बनाना चाहिए जैसे कि मैं बहुत जल्दी पहुंच सकूँ शॉर्टकट वाला नक्शा नक्शा जो होता है जैसे कि लाइक उड़ के पहुंच जाऊँ इस तरह का नक्शा बनाना चाहिए तो उड़ से ओडिशा और नक्शा कैसे बना रहे वो चित्र बना रहा है ओके पट्टा के ऊपर वो चित्र बना रहा है तो पट्टा चित्र देन वो जब वेस्ट साइड में जाने लगा तो वेस्टर्न घाट में वेस्ट साइड गया तो वेस्टर्न घाट वेस्ट साइड मीन्स वेस्टर्न घाट आ जाता है हम लोग का देन वार वहाँ पे छिड़ गया है किसके बीच में जानवरों के बीच में तो वार से वार ले दे दैन वहाँ चिड़िया क्या कर रहे हैं एकदम तानाशाही कर रहे हैं तो चिड़िया से चेरियल स्क्रोला और जब चिड़िया जब तानाशाही कर रहे थे राजा के मुँह से पसीना तेल सब निकल आ रहा है एकदम परेशान हो जा रहा है देन वो क्या कर रहे हैं तानाशाही कर रहे हैं चिड़िया तो ताना से तानजो और ताना से तमिलनाडु ठीक है तंजौर, तमिलनाडु, देन राजा क्या सोचता है कि ये लोगों को एक सोशल मैसेज देना चाहिए कि इस तरह से एक दूसरे के साथ में लड़के एक जगह नहीं रह सकते हैं तो उसे वो एक मैसेज देना चाहता है तो वो मैसेज क्या करना पड़ेगा उसे लिखना पड़ेगा तो वो अंधेरे में लिखने के बारे में सोच रहे क्योंकि दिन में क्या है चारों तरफ सभी झगड़ा कर रहे हैं वार छिड़ गया है तो अंधेरे होने से क्या है सब एकदम शांत हो जाएंगे तो उस समय में क्या करूंगा एकदम मैसेज लिख कर ये लोग तक पहुंचा दूंगा ये लोग को बताऊंगा ये सोच रहे राजा तो मैसेज कैसे लिख रहा है वो पेन से लिख रहा है पेन मीन्स हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग कलम तो कलम से वो लिख रहा है अंधेरे में कलम से लिख रहा है मैसेज वो जानवरों के लिए तो कलम से कलमकारी अंधेरे में लिख रहा है तो आंध्र प्रदेश ठीक है यहाँ तक समझ में आया ओके ठीक है तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हों तो हम लोग ये करेंगे दूसरा वीडियो बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगी और भी जो पेंटिंग फोक पेंटिंग तो ये हम लोग का जो टेन इम्पोर्टेंट रह गया था ये मैं पढ़ाई हूँ यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट वाला पेंटिंग है फॉक पेंटिंग बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं इसे दस पढ़ाई हूँ और भी अगर आप लोगों को पेंटिंग के बारे में जानना है तो मैं उसे भी लेके आऊँगी जैसे कि अलग अलग स्टेट में होता है ट्राइबल लोगों का अलग अलग पेंटिंग रहता है उसके बारे में भी मैं आ, क्लास ले कर आऊँगी नेक्स्ट क्लास कल मेरे तो ले आने वाली वो जो टेस्ट सीरीज का आपका जो एम चल रहा है कल होगा उसके नेक्स्ट डे में मैं कोशिश करूँगी पेंटिंग का ले कर उसके बाद में और दूसरा जो भी हम लोग का आर्ट एंड कल्चर का है वो लेके कर आऊँगी और ये जल्दी से हम लोग ये चैप्टर को खत्म करेंगे आर्ट एंड कल्चर का तो हम लोग दूसरा सब्जेक्ट को लेंगे जैसे कि आप लोग का हो गया जोग्राफी हो गया जोग्राफी का जो हिल ये सब के बारे में क्योंकि हम लोग जितना भी देखते हैं माउंटेन ये सब के बारे में देखें रिवर के बारे में हिल के बारे में बहुत कम हम लोग को वीडियो भी देखने मिलता है दूसरा क्या है बहुत कम टीचर भी पढ़ाते हैं बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कभी वो नॉर्थ से साउथ तक वो अरेंज करने के लिए देते हैं तो कभी ईस्ट से वेस्ट तक अरेंज करने के लिए देते हैं तो हम लोग को उस हिसाब से उसे पढ़ना पड़ेगा और मेमोरी ट्रिक से भी हमें याद करना पड़ेगा तो मेमोरी ट्रिक के में, में उसे लेके आऊंगी ठीक है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ओके थैंक यू टेक केयर बाय बाय